हम कौन है? आजादी के परिंदे। हम कौन है? आजादी के परिंदे। हमें क्या चाहिए? आजादी। हमें क्या चाहिए? आजादी। 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 अरे शुरू हो जा रहे बाबा। आज के जमाने में इतना पुराना सिस्टम कौन वापरता है? इतनी मेहनत करो पर पैसे कितने मिलेंगे? चिल्लर। अरे ये क्या है? तुम्हारा काम बस पूरा होने वाला है। मोहरा हाथ लग गया। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें तीन अलग अलग क्राइम हुए और तीनों में बस एक चीज कॉमन थी और वो था धोखा। देश का युवा देश की ताकत होता है। देश का भविष्य देश के युवाओं के हाथ में ही होता है। पर यही युवा जब भटक जाता है तो देश हो या अपना खुद का परिवार सब कुछ तहस नहस कर देता है। थोड़ा ठीक से साफ करना, हाथ थोड़ा ऊंचा उठाना। वही नहीं, मैं गिर जाऊंगी ना, मेरा बच्चा। अच्छा तो ये साफ सफाई तेरा बच्चा करेगा ना? वही नहीं। केकी काय करते, वो प्रेग्नेंट है ना? स्नेहा नीचे उतरो, सब हो जाएगा आराम से। आ जाओ। क्या आले अंचे वकील, इनकी साइड लेने। केतकी मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं इसे यहाँ सिर्फ खाना बनाने के लिए लाया था। अच्छा तो ये सिर्फ झाड़ू कटका मैं करूंगी और तुम्हारी ये हीरोइन बैठ के आराम करेगी। क्या रे, बहुत अच्छी लगने लगी तेरे को, सोना इसके साथ? केतकी तू क्या मुंह बना रही है? वैसे भी तेरे को ये सड़क से उठा के लेके आए। तो एक काम कर, तू इसके साथ सो जा। हाँ इसको भी ना बच्चा और औरत दोनों मिल जाएंगे। बहनी आप क्या बोल रही हो? क्या झाला नाटक शुरू? इस केतकी में ना जरा सी भी इंसानियत नहीं, लेकिन तू इसकी बात को दिल से मत लगा, मैं तुझे अपनी बहन मानता हूं। मालूम है दादा, आप ही की वजह से जिंदा हूं, पर ना तो सब मैंने कुछ नहीं कहा। सब ये सर 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 यही है वो लोग, मैंने इन्हें कई बार देखा है लड़कियों को खरीदते बेचते। संकोच मत करो, आ जाओ। अरे क्या कर रही? बस फैन। आप फिक्र मत करो दादा, बहनी समझ जाएगी कि मैं उनका घर तोड़ने नहीं आई हूँ। तेरी नजर में ना तेरी खबस दिख रही है। अरे ओके। अरे एक मिनट, मैं उठाता हूँ। नो, मैं
या मुझे जान से मार देंगे। ये हैंडल तो जैम हो गया। क्या? कोई रो रहा है और आपको हंसी आ रही है? अरे नहीं, डोंट टेक दैट वे। एक्चुअली क्या है कि लड़कियों को दर्द बर्दाश्त नहीं होता, और मैं देख रहा हूँ कि आपको अपने दर्द से ज्यादा दर्द है। मैं अपने भैया से जिद करके दिलाई थी, अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने Oh my God! Oh, 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 oh. आपकी कार। I'm so sorry. I'm really sorry. सोनिया, तुम कितनी बड़ी स्टूपिड है। आप टेंशन मत लीजिए। एक काम करते हैं, आपको इतनी चोट लगी है, पहले हम आपको ठीक करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको ठीक करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके भैया को ना पता लगे कि आपने क्या किया। आप मेरी हेल्प करेंगे? जेंटलमैन डू दैट वे। तुम लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए ना? जी भाई, जी भाई जान। जावेद, सादिक, देखो तुम लोगों की उम्र कम है, लेकिन ये लड़ाई हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की सरकारें हम जैसे गरीबों का शोषण करता है, क्या मिलती है हमें इतना मेहनत करके? जिल्लत भरी जिंदगी। तुम सबकी जान कीमती है, दुनिया हमें आतंकवादी कहे, लेकिन हम क्या है? आजादी के परिंदे। हम क्या है? आजादी के परिंदे। बहुत खूब, तुम लोगों के पासपोर्ट तुम लोगों को मिल जाएंगे एयरपोर्ट में। मुंबई से दिल्ली जाओगे, फिर वहां से तुम्हें विदेश भेजा जाएगा। वहां पे हमारा ट्रेनिंग कैंप है, वहां पे तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, फिर तुम्हें मिशन में भेजा जाएगा। मैं तुम दोनों से वापस कनेक्ट करूंगा। जी भाई, भाई जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई जान। ये असल भौतिकी है। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आता कौन सांगेला अपना कुठे गेल? ओ भाऊ, जरा इधर आना। आपने मेरे बेटे को देखा है? रविकांत तावड़े, यहीं रहता था वो। भाऊ पता नहीं, पर इधर तो 10 दिन से ताला लगा हुआ है। मलक को पीती वाटते बहुत दिन से रवि और स्नेहा का भी फोन बंद आ रहा है, और अब तो वो लोग यहाँ पर भी नहीं। हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए। गैराज वाला आपको शाम तक दे देगा, आप रेस्ट कर लीजिए और ये दवाई आप खा लीजिएगा 3 दिन। यू विल बी बैक टू योर फॉर्म। थैंक यू सो मच। एंड थैंक गॉड कि भैया घर पर नहीं है फॉर अ वीक, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। उसने की गल है। एक्चुअली थैंक्स टू यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। नो वरीज, चलिए टेक केयर। अब एक कप कॉफी हो जाए। आई मेक अ वेरी गुड कॉफी, प्लीज। ओके इफ यू इंसिस्ट। आइए प्लीज सिट। थैंक यू। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मैं चेंज करके आती हूँ। श्योर। कॉफी। थैंक यू सो मच। कैन आई कन्फेस समथिंग? अब क्या किया आपने? वेल आई थिंक मुझे आप पर क्रश है। आई मीन आप इतने हैंडसम हैं इस एज में भी। आई ऑलवेज लव मैच्योर गाय। अगर मैं मैरिड होता तो मैं आप जैसी क्यूट लड़की को जरूर डेट लेके जाता। आप ये डिफेंस के एंट्रेंस की तैयारी कर रही है क्या? जी, मेरे पेरेंट्स मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम। इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना है ताकि ये सारे हादसे फिर कभी ना हो, पर मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग किस्मत से मिले। मतलब? मतलब ये कि आई वर्क क्लोजली विद डिफेंस, मैं वेपन्स कंपनी को हेड करता हूँ। Oh nice. So you can help me with my exam? Of course. Oh, it will be my pleasure ki main youth ko armed force ki taraf inspire karu. If you don't mind, can I get your number? Ah, sure. Oh, thanks. 44567. Chali, thank you so much for the coffee. No, no. Thanks to you. Thank you.
एक्चुअली मेरे भैया बहुत सिनिकल हो चुके हैं पेरेंट्स के डेथ के बाद. यू नो वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है, बट यू आर सच अ नाइस पर्सन एंड हैंडसम एंड ऑल्सो माई क्रश. बाय बाय. ओ सर, मेरे बेटे को ढूंढ दो, एक मुलका है रवि हमसा. रमाकांत जी, आपकी रवि के साथ आखिरी बार कब बात हुई थी? सर 8 अप्रैल को मैंने ही फोन किया था उसको. नेहा की तबीयत कैसी है? अब तो उसका 4th महीना भी पूरा होने को आया होगा ना. हो आई, परसों तो उसे बुखार था लेकिन आज सुबह ठीक होगी. अब वो अपने मायके गई है, 10-15 दिन में आ जाएगी वापस. आप लोग ठीक हो ना? हो बेटा, हम ही चांगले होते. बेटा थोड़े पैसे चाहिए थे. नहीं कहा है ना, तुझे आईच मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है. मेरे पेंशन से घर का खर्चा चला लेता हूँ लेकिन ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए ना, इसलिए. हो बाबा, भेजता हूँ लेकिन अभी थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है. हाँ पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर तो बेहतरी बंदोबस्त. 20 दिन से आपकी अपने बेटे से बात नहीं हुई, वो गायब है और आज आप रिपोर्ट लिखवाने आए. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको उसको पैसे नहीं देने थे इसलिए उसने आपका फोन नहीं उठाया? नहीं नहीं साहब, हमारा बेटा बिजी होता है ना, हम बूढ़ा और बूढ़े के लिए उनके पास वक्त का होता है. मैंने पैसे के लिए फ़ोन किया था लेकिन वो बार बार फ़ोन कर कर भी उठाने रहे थे, बहू और बेटा भी. तो हम लोग यहाँ चले आए और मंजुला का ऑपरेशन भी करना बहुत ज़रूरी है ना साहब. आपकी बहू भी गायब है ना? आपके बेटे का कोई फोटो? नहीं, वो तो उनके घर पर होगा. मेरे पास तो ये फ़ोन है, इसमें कहाँ से फोटो होगा? राजदीप सर, इनसे इनके घर का एड्रेस लो, रवि का फोटो कलेक्ट करो, उसका मोबाइल ट्रेसिंग पे डाल दो. सर इनसे बराबर जा. हो सर. देखिए कुछ चोरी हुआ है क्या? हमको क्या मालूम, हम दोनों यहाँ नहीं रहते. सर ये देखिए, ज्वेलरी मिली है, कम है पर है, चोरी का मामला नहीं लगता है. सर आइए, ये मकान मालिक मोरे जी. मोरे जी आपको पता है रवि और उसकी बीवी ये दोनों कहाँ रहते हैं? नहीं साहब, आजकल तो किराया भी ऑनलाइन जमा हो जाता है, मेरे को 2 महीने हुआ उनसे मिले. और ये लोग कैसे लोग थे? अच्छे लोग थे दोनों, सीधे साधे थे, किराया भी टाइम पर देते थे, पर पिछले 1.5 महीने से किराया थोड़ा लेट देने की बात कर रहे थे. ये देखिए साहब, इसमें मैसेज है. काका इस महीने का भाड़ा देने में थोड़ा समय लगेगा, परेशान मत होइए, मैं पैसे दे दूंगा. साहब कहाँ गए वो मालूम नहीं, पर 15-20 दिन पहले बाबला और विकी आए थे, वो रवि के दोस्त ही थे पर उन्होंने रवि को बहुत मारा. तू चट रहा था? फोन करे उस वक्त? हाँ फोन क्यों उठाता? मुझे 10 दिन दे दो, मैं आपको सामने से कॉल करता हूँ. रोक क्या लगा था रे, तो हम लोग का पैसा खा जाएगा साला, आज तो पैसा लेकर जाएंगे. पैसा लेकर चल. चाहिए चाहिए? हाँ पैसा कब देगा मेरा बोल. 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ. 15 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो तेरा गेम खल्लास. आपने रवि को आखिरी बार कब देखा था? हर महीने की 10 तारीख को हम ऑफिस के कुछ लोग मिलकर पार्टी करते हैं. मैं वहीं जा रहा था तब रवि को देखा था, वो घर पर ही था. यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है. रवि और स्नेहा के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास वो सारे सर्कुलेट करवा दो. जी सर. अरे देवाही काय तोड़ लो, अब इसका पैसा कौन भरेगा, तेरा बाप? सॉरी वही नहीं, वो हाथ से फिसल गया, मैं साफ कर देती. क्या हुआ? सब ठीक है ना स्नेहा? जैसे मेरा पति तेरे ऊपर फिसल गया वैसे ही फिसल गया ना ये भी. हाँ इतकी काय कर बोलते? आता ना फक्त बोलती है, पर मेरे को अगर ज्यादा त्रास दिया ना तो मैं ना सुसाइड कर लूंगी और तुम दोनों का नाम लिख के जाऊंगी, फिर दोनों सड़ना जेल में, समझ लो. Thank you.
दो रिक्रूट ट्रेनिंग के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। मेरा मुंबई का 20 का टारगेट पूरा हुआ। ये मेरे भैया हैं, एचआर रिक्रूटमेंट कंपनी में काम करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इनके मैं तुम्हें पॉइंटर्स बना दूंगा। ये पॉइंटर्स इतने ही। ये कॉफी। थैंक यू सो मच। ये जो क्वेश्चन है इनको तुम एक बार देख लेना, जिनको मैं मार्क करता हूँ। Are you okay? I'm fine. क्या एक हैंडसम ऑफिसर पे क्रश रखना लीगल है? सॉरी, मैं मैरिड हूँ। तो क्या हुआ? मुझे आप बहुत पसंद हो। एक हफ्ता हो गया है, अभी तक ये तक पहुंची। सीरियसली आई टॉट यू बेटर। एक आदमी नहीं फंसाया जा रहा तुमसे। चल बाजी करती तो उसे शक हो जाता। दो लड़कों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया मैंने, एक आदमी नहीं फंसा पा रही हो तुम। हमारे पास टाइम नहीं है। What? डिफेंस में काम करता है वो बंदा, कोई ऐरा गैरा टीनेजर नहीं है जो दो वीडियो से फंस जाएगा। तुम मेरी जान ना होती ना, मेरी जान ले लेता। अरे यार, अब तक एक भी गाड़ी नहीं आई। पासपोर्ट और टिकट के लिए इधर ही रुकने को कहा था ना भाईजान ने? बोला तो यहीं कहा था। शायद यही गाड़ी है। हमें क्यों पकड़ रहे हो साहब? सर हमने कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ। तुम्हारा पासपोर्ट वाला तो जेल में है, उसने सब सच बता दिया। जेल में उसकी बाकी की जिंदगी तो अच्छी गुजरेगी, लेकिन तुम दोनों किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गए। न विदेश पहुंचोगे न अपने घर। इसीलिए कह रहा हूं, हमारा साथ दो, देश का साथ दो। बताओ कौन है वो जो तुम्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट कर रहा है? दिखाओ ना काला पानी क्या होता है। कुछ बोला इन लोगों ने? नहीं सर। बेटा अब तो तुम लोगों को पानी भी नसीब नहीं होगा। साहब हमने कुछ नहीं किया। साहब गलत है ये सब आप मार रहे हो ऐसा। जब दो फटके गिरेंगे ना तब पता चलेगा सच क्या और गलत। सब मारो मत ना। तुमने मारा ना रवि को? ओ साहब मारा क्योंकि रवि ने बहुत सारा पैसा उधार लेके रखा था साहब हम लोग से। तो उधारी के चक्कर में जान से मार देने का? नहीं नहीं साहब, मारा था लेकिन जान से नहीं मारा था, बस थोड़े फटके दिए थे। लेकिन साहब उसने जब सच्चाई बताया ना तो ऐसा लगा कि इसको टाइम देना चाहिए। क्या सच्चाई? साहब वो हमेशा परेशान रहता था। क्यों? उसने बताया था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ लफड़ा चालू है साहब, तो हम लोग ने उसको जाने दिया। उसके बाद तो वो दिखाई नहीं साहब, हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए साहब। ऐसा तो नहीं कि उसके बीवी ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको मार दिया? हाँ साहब ऐसा हो सकता है क्योंकि भाभी उसके बाद दिखी नहीं बस्ती में। उसने बताया था उसके बीवी का किसके साथ अफेयर चल रहा है? वो पता नहीं साहब। हाँ मैडम कहिए। आज मिले क्या? आई एम मिसिंग यू। आज नहीं, आज मैं फैमिली छोड़ने जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। ओके फैमिली आउट सोनिया इन। जोड़ा अगर से रडून का होना रहेगा, कुछ तो खा लो ना। हाँ कुछ तो खा लो, मतलब शांत हो जाए सब ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे रवि का कुछ पता चला क्या साहब? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमें आपसे कुछ पूछना था। क्या हुआ साहब? रवि ने कभी स्नेहा के अफेयर के बारे में आप लोगों से कुछ कहा था? अफेयर?
नहीं तो तुम्हें लगा माहिती है का? नहीं मुझे कुछ नहीं पता, ना ही रवि ने कुछ बताया साहब। स्नेहा के मायके का नंबर है आपके पास? वो वहीं गई हुई थी ना साहब? हमने फोन किया था वहाँ तो उन्होंने बताया कि वो 11 तारीख के सुबह वो निकल गई बसे के लिए और सब वहाँ उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। ये सब देखो ये नंबर है, मैंने नोट करके रखा था। कुटकुटली मेरे बेटे को खा गई, देखना कीड़े पड़ेंगे उसे कीड़े। अगर अगर शांत हो शांत हो। स्नेहा तुम ऐसे अपने दादा को छोड़कर जा रही थी, ऐसे भागकर कहाँ जाओगी? पहले ही तुम्हें बेच चुके हैं लोग और पेट में अब बच्चा भी है। दादा केत की वहनी मेरे को नहीं रहने देगी इधर, आप मेरे को जाने दो। देखो स्नेहा हम दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, केतकी। केतकी मुझे बच्चा नहीं दे पाई ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एक दिन भी मुझे शांति से नहीं जीने देती। उससे शादी करके तुम्हें क्या बताऊँ, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे एक होप मिली है। मैं तुम्हारे बच्चे को एक अच्छी परवरिश, एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ। हम सब साथ साथ रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि केतकी हमें रहने देगी। तो अब? तो अब एक ही रास्ता है, उसको रास्ते से हटा देते हैं। हे काय बोलते तुम्ही? सोचो स्नेहा, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक व्यक्ति के मर जाने से। नहीं दादा मैं ऐसा सोच भी नहीं पा रही हूँ। सर हमने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि रवि एक बहुत ही सिंपल लड़का था। उसे अस्थमा की बीमारी थी इसलिए वो भागदौड़ वाला काम नहीं कर पाता, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता था। सब पैसों की किल्लत को छोड़कर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो सके कि उसका कोई दुश्मन था। उल्टा बस्ती के कई लोगों को वो फ्री में इंटरनेट सिखाता था, बेसिक कंप्यूटर, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करना, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। ऐसा तो नहीं राजदीप, ये अकाउंट ओपनिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इसके बहाने लोगों को लूट लिया हो और भाग गया हो? इनके अकाउंट डिटेल चेक करो, मतलब कहीं तेरे भानगढ़ दिखते हैं। अच्छा बॉयफ्रेंड का एंगल कुछ पता चला? सर स्नेहा बहुत ही सीधी सादी लड़की है, बस्ती में भी सबका कहना है कि रवि और स्नेहा के बीच में बहुत प्यार था। स्नेहा क्या कर रही हो? वो रवि को केक बहुत पसंद है ना, उसी के लिए बना रही हो, आज बर्थडे उसका। मैडम पूरा हफ्ता उसने केक बनाना सीखा था ताकि रवि को सरप्राइज दे सके, बहुत प्यार करती थी वो रवि से। सर हमने स्नेहा के पेरेंट्स से भी पूछताछ की, वो लोग यहीं वसई में ही रहते हैं, लेकिन स्नेहा के अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चला। नहीं पता होगा तो भी नहीं बताएंगे, मुझे लगता है ये दोनों बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं तेरी भानगढ़ नक्की है। बॉयफ्रेंड कौन है? सर ऐसा भी हो सकता है कि स्नेहा का यहाँ किसी के साथ अफेयर हो सकता है, इनकी क्वालिटी चेक किए? सर दोनों के फ़ोन बंद है, रवि का फ़ोन तो 10 तारीख से ही बंद है, शाम को करीब 5 बजे उसका फ़ोन बंद हुआ था, फोन अभी भी बंद है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसके दुकान के आसपास की, तो स्नेहा का फोन अगले दिन सुबह मतलब 11 तारीख को बंद हुआ था, उसका भी फोन अभी भी बंद है। तो उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर के आसपास की। सर दोनों के कॉल डिटेल्स भी हमने चेक कर लिए, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मतलब दोनों का फोन बंद होने में एक दिन का फर्क है। सर स्नेहा प्रेग्नेंट थी और शायद रवि को यह पता चल गया था कि ये बच्चा उसका नहीं है, तो हो सकता है दोनों ने मिलकर रवि को मार दिया। पूरा बाथरूम गंदा है, सब गीला पड़ा है, अभी मैं गिर जाती। एक मिनट, तूने जानबूझ के किया था कि मैं गिर जाऊँ और तू मेरे पति के साथ रंगरलियाँ मनाए। बहनी आपको तमीज है, आप क्या बोल रही हो? तमीज तुम्हें दाखो दे तमीज। इसकी हालत तो देखो, अरे बच्चे का तो ख्याल करो। दादा जाने दो, मैं साफ कर देती हूँ। इधर आओ। छोड़ो, मैंने तुम्हें कहा था ना हम इसे यहाँ बच्चे के लिए लाए हैं और तुम इसके पीछे पड़ी रहती हो। पर अरे भाग जाएगी वो, पहले भी ट्राई कर चुकी है। भागने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उसे ऐसे घूरते रहते हो। मेरा ना खून जलता है, मेरा ना दिमाग खराब हो गया ना, तो उसको उसके बच्चे को दोनों को मार दूंगी मैं। तुम्हें एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। मैं
मैंने तुम्हें कहा था ना, इसे रास्ते से हटा देते हैं, हम दोनों सुखी रहेंगे। तुमने कहा तुम्हारी फैमिली जा रही है, मेरे भैया भी आउट ऑफ टाउन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। अच्छा व्हाट डू यू थिंक, मुझे कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए, नेशनल या फिर इंटरनेशनल? देखो दोनों एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम नेशनल एजेंसी में काम करोगी तो मेरे साथ बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिलेगा। रियली? कैसे? क्या कि मैं बहुत जल्दी शायद नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करने वाला हूँ, और वैसे भी हमारी कंपनी इंटरनल टेररिज्म को हैंडल करने के लिए फौज के साथ बहुत प्लानिंग कर रही है। नाइस, तो मुझे भी अपने कुछ प्लान्स दिखाओ ना प्लीज। I'm really sorry, baby. लेकिन ये बहुत ही confidential है। ये defense के system में और हम हर किसी के साथ इसको share नहीं कर सकते। I'm sorry. Please. Hello. मनोज ठाकुर। सुनील केलकर। बैठिए सर। Thank you. अब चाय कॉफी क्या लेंगे? I'll have tea. कर दे। मेरी वाली चाय सर। बताइए सर, आज आर्मी ऑफिसर हमारे पुलिस स्टेशन में कैसे आए? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके एरिया में हनी ट्रैपिंग हो रही है, वी नीड योर हेल्प टू ट्रेस दैट। आर्मी का नाम सुनते ही वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। ये तो हमारा सम्मान है, आपके पास कोई लीड है? वो तीन लोग हैं जो आपके एरिया में रहते हैं, जिनके पास किसी ना किसी तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। सर, मैं बताता हूँ सर, पहले मुझे यहाँ से निकालिए सर। छोड़िए ना सर, पहले सच बता। सर मैंने सिर्फ इतना सुना था कि जब अर्पा उस बंदे को ट्रैप कर ले तब हमें नई डिफेंस सिस्टम की सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, आर्मी की प्रेजेंस उन्हें चौकन्ना कर देगी, उनकी रिक्रूटमेंट और हनी ट्रैप विंग दोनों ही सक्रिय हैं वहां, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए हमें लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए। बताइए कैसे शुरू करना है? ये तीन लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं, और ये तीनों ही किसी ना किसी तरह डिफेंस से जुड़े हुए हैं, और सबसे खास बात यह है कि इन तीनों के ही पास डिफेंस सिक्योरिटी क्लियरेंस, इसलिए इनके कॉल रिकॉर्ड्स या डिटेल चेक करते ही ये लोग अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें बहुत ही होशियारी से काम करना होगा पुराने पैटर्न लाइक फॉलो एंड फाइंड। आप हमें लिस्ट दीजिए, मैं अच्छा ऑफिसर उनके पीछे लगा दूंगा। ये हैं वो तीन नाम और उनके एड्रेसेस जो आपके एरिया में रहते हैं। निशा सावंत, नवीन सेठी, मनोज वर्मा। ठीक है सर, हमारी तरफ से हर शाम आपको रिपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू। आप राजदीप सर, अपने तीन अच्छे कांस्टेबल इन तीनों के पीछे लगा दो, इनकी हर मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? हाँ स्नेहा तावड़े, राइट। ठीक है आप एड्रेस भेजिए, हम पहुंचते हैं। सर बैनर के घर में मर्डर हुआ है, उसी घर में स्नेहा मेड का काम करती है। चूड़ी के टुकड़े मिले। ये चूड़ी के टुकड़े
जो स्नेहा के, उसने मेरी बेबी को मार डाला। आपको पता है ना, अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को काम पर रखना इलीगल है। सर आप जानते हैं मैंने स्नेहा को किस हाल में बचाया था। उसके पास सिर्फ उसका थैला था कि सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। स्नेहा मिली कहाँ थी आपको? सर स्नेहा को लोगों ने बेच दिया। बहुत सही चीज है यार, सब मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने इन्हें कई बार देखा है लड़कियों को खरीदते बेचते। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर में उसको मेड के रूप में रखा, और उसने पीठ पीछे। और मर्डर के वक्त आप कहाँ थे? सर मैं जर्नलिस्ट हूँ, स्ट्रिंगर। मैं रात को कोर्ट के बाहर था, मैं गाड़ी में मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा था। आपने बताया कि स्नेहा को किसी ने बेच दिया था, कोई आइडिया है किसने बेचा था? स्नेहा ने कहा था कि उसके पति के दोस्तों ने उसे बेच दिया, विक्की और बाबला। लेकिन स्नेहा की बीवी को क्यों मारेगी? क्योंकि स्नेहा बहुत ही टेढ़ी औरत थी सर, उसको कोई कुछ भी कहे उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। स्नेहा ने कभी अपने पति के बारे में कुछ बताया? उसने कहा कि अचानक से उसका पति गायब हो गया। जिन लोगों ने स्नेहा का सौदा किया था वो लोग कहाँ हैं? अभी वो जेल में है, उनका केस चल रहा है। हम मिल सकते हैं? जी, पूजा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। यस सर। आप चलिए मेरे साथ। क्या हुआ, तुम्हारी हवाएं क्यों उड़ी हैं? वो दो लड़के जो मैंने विदेश भेजे थे ट्रेनिंग के लिए, वो लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं। क्या वहां नहीं गए तो कहां गए? मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे? दिल्ली तो पहुंच गए थे, मैंने अपने बंदों से पता किया है, फ्लाइट टिकट में उनका नाम था। कहीं कोल्ड फिट तो नहीं हो गया? देश से बाहर जाना मौत की तरफ हर किसी के बस की बात नहीं है। कोल्ड फिट हो जाए ठीक है, आर्म फोर्सेस के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ले लो फॉर सम टाइम। ये नवीन कैसा है? उसे मैंने अच्छे से फंसा लिया, अगले हफ्ते उसके ऑफिस वाले ट्रिप पर जा रहे हैं, तभी हम अपना काम कर लेंगे। आर्म फोर्स के सारे प्लान्स उनके सिस्टम में, उसके बाद तुम्हें नवीन को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो हो जाएगा। ये लड़की थी? हाँ सब, यही लड़की थी सब। वो ये दोनों थे? हाँ सब, यही दोनों तो थे सब। वो कितने पैसे दिए थे? सब 2,00,000 रुपए दिए थे साहब। वो लड़की सुंदर थी ना साहब। विकी और बाबला ने पुलिस को बताया था कि स्नेहा का अफेयर चल रहा है, पर उन दोनों ने खुद अपने पैसे वसूलने स्नेहा को बेच दिया था। तो क्या सच में स्नेहा का अफेयर था और उसी ने अपने पति को मार दिया था? पर स्नेहा केतकी को क्यों मारेगी? या प्रवीण भी स्नेहा को फंसा रहा था? वहीं दूसरी ओर पुलिस डिफेंस फोर्सेस के साथ एक हनी ट्रैप का केस सुलझाने की कोशिश कर रही थी, पर पुलिस को ये नहीं पता था कि ये केस सिर्फ हनी ट्रैप तक सीमित नहीं है। ये लोग देश के युवाओं को भी देश के खिलाफ भड़काकर उन्हें आतंक की तरफ धकेल रहे थे। सवाल बहुत थे पुलिस के सामने और जवाब देने वाला कोई नहीं। तो ये विकी और बबला ने स्नेहा को बेचा था? हाँ सर, लेकिन प्रवीण का कहना है कि स्नेहा बहुत वायलेंट थी। लेकिन सर मुझे तो लगता है प्रवीण ने उसकी बीवी को मारा है। एक काम करो, ये स्नेहा का फोटो सारे न्यूज चैनल में सर्कुलेट कर दो, और विकी और बबला उठाओ। सर सर ये उन तीन लोगों की रिपोर्ट। सर रिपोर्ट तो मैंने पढ़ ली है, लेकिन रिपोर्ट से लगता नहीं कि हनी ट्रैप। ये देखिए सर, इस औरत का नाम है निशा सावंत, डिवोर्सी है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, काम पे जाती है, बॉयफ्रेंड डिफेंस से जुड़ा है। सर ये है मनोज वर्मा, एक्स फौजी है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी है, बिना अपॉइंटमेंट अपने बच्चों से भी नहीं मिलता। और ये नवीन सेठी, इसकी फैमिली दिल्ली में रहती है, लेकिन ये यहाँ एक वेपन फैक्ट्री में फैक्ट्री हेड का काम करता है। आदमी सीधा है, लेकिन फिलहाल सोनिया नाम के एक लड़की के साथ इसका काफी मिलना जुलना है। सोनिया कौन है? सोनिया स्टूडेंट है सर, जहाँ तक मैं समझ पाया ये नवीन सोनिया को एंट्रेंस टेस्ट के लिए हेल्प कर रहा है। ध्यान रखो उस पर। सर ऑफिसर, आज की रिपोर्ट भेज रहा हूँ मैं। मेरे एक्सपीरियंस में नवीन सेठी मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। थैंक यू ऑफिसर, मैं चेक करता हूँ। और क्या हालचाल है? बस यार ऑल गुड। तुम बताओ कि इतने सालों के बाद अचानक से? यार डिफेंस में आया था एक काम, जल्दी फिनिश हो गया तो मैंने सोचा तुझसे मिलता चलूं।
बहुत अच्छा किया। कितना टाइम हो गया मिले हुए? You are looking pale. Pale? सब ठीक तो है ना? अरे no, everything's fine. चल टाइम पास मत कर अभी। स्नेहा के साथ क्या क्या बता? उसको बेचा ना? इधर उधर मत देख, जग्गी ने सब कुछ बता दिया हमको। बेचा था ना स्नेहा को? हाँ साहब, वो स्नेहा के पति ने हमसे 50,000 रुपये उधार लिए थे, 3 महीने हो गए थे साहब, वो हमको हमारे पैसे रिटर्न दे ही नहीं रहा था। तो हमने स्नेहा को 50,000 रुपये के लिए एक औरत को बेचा तुम लोगों ने, और ये बात जब रवि को पता चली तो उसको मार दिया और हमको भी झूठ बोला। वो पुलिस को हमने ये बात झूठी बताई कि स्नेहा के किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, ताकि पुलिस को लगे कि वो किसी के साथ भाग गई। मुझे लगा था कि हम ये केस बंद कर देंगे। हाँ बेटा, हम ना पुलिस वाले हैं, एक बार किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना तो हलक में हाथ डाल के सच्चाई बाहर निकाल के लाते हैं, समझ में? हलक संगला, समझा? हैप्पी बर्थडे। नेहा, जिसने तुम्हारी जान बचाई तुमने उसी के बीवी का मर्डर कर दिया और भाग गई। नहीं साहब, कीर्ति बहनी को मैंने नहीं मारा, जब मैं घर से गई थी तो वो जिंदा थी। हाँ, पर प्रवीण दादा ने बोला था कि वो कीर्ति बहनी को रास्ते से हटाना चाहते। खुद प्रवीण अपनी बीवी को मारना चाहता था और ये बात उसने आपको बताई? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर तो नहीं था? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, पर प्रवीण दादा मेरे होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पागल थे। केतकी भाई ने उनको बच्चा नहीं देख पा रही थी, पहले मुझे लगा कि अपने बच्चे की कमी पूरा करना चाहते, पर सब वो दोनों पति पत्नी कुछ अजीब से हैं। बीवी मुझे मारती थी और पति मुझे संभालता था, फिर अपनी बीवी को मारने के लिए मेरी मदद मांगता था। साहब, मैंने कुछ दिनों तक सहा क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी, तो फिर मैं भाग गई। मर्डर वाले दिन भाग गई? हाँ साहब, उस दिन केतकी बहनी ने मुझे बहुत मारा, प्रवीण दादा बहुत गुस्सा हो गए। मेरा ना दिमाग खराब हो गया ना, तो उसको उसके बच्चे को दोनों को मार दूंगी मैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसे रास्ते से हटा देते हैं, हम दोनों सुखी रहेंगे। साहब, खुद से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं भाग गई। कितने बजे? रात का खाना बना के, कुछ 9-9:30 बजे होंगे। किसी ने देखा तुमको? हो सा, वो मैं अपने घर आई थी, वहाँ मेरे सास ससुर थे। तुम मेरे रवि को खा गई? आई और इसका फोन लावा। आई आई संभाल के, मेरे बच्चा है, बच्चा नहीं, पाप है ये, पाप। संभाल के मेरे बच्चा है। फोन लावा सर, ना मैंने अपने रवि को मारा और ना ही केतकी बहनों को। राजदीप, केतकी के पीएम रिपोर्ट में उसका टाइम ऑफ डेथ क्या है? सर, 12:30 से 2:30 के बीच, लेकिन प्रवीण ने हमें बताया था कि उस वक्त वो घर पे नहीं था, कोर्ट के सामने एक वैन में था। सीसीटीवी फुटेज मिला? हाँ सर, ये देखिए सर, ये जर्नलिस्ट वाली वैन दिख तो रही है? वैन दिख रही, लेकिन वैन का पिछला हिस्सा और प्रवीण दोनों भी नहीं दिख रहे। इसका मतलब प्रवीण को कैमरा एंगल पता था और उसने उसी तरह वैन पार्क की। बांद्रा पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, मुल्ला स्नेहा हमें मिल गई है और उसके अलिबाई भी। सर, साहब मेरे रवि का कुछ पता चला? हम भी आपसे यही पूछ रहे हैं, आपके पति का आपको कुछ पता है क्या? सर, 10 तारीख को दोपहर के कुछ 4:30 बजे मुझे रवि का फोन आया था। स्नेहा, मुझे कुछ बड़ा पता चला है। मैं मेरा नंबर बदल रहा हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं कल तुम्हें नए नंबर से कॉल करता हूँ। रवि, काय बोलते हो, हुआ क्या है? सुनो, जो कुछ भी हुआ है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये सब आज ही खत्म होगा और इस काम के लिए गवर्नमेंट से मुझे पैसे भी मिलेंगे। तुम देखना, हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। काम थोड़ा जोखिम का है, पर तू टेंशन ना कोगी उस। साहब, मेरे को कुछ गड़बड़ लगा तो मैं वैसे की सुबह पहली ट्रेन पकड़ के वापस मलाड आ गई, घर पर रवि नहीं था।
पति किधर है तेरा? किधर है पति? मुझे नहीं मालूम कहाँ पे। चल हट। विक्की और बाबला घर आए और बोले कि रवि कल रात से गायब है। कल रात को पैसे देने वाला था, पूरी रात भर हम लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। पागल है क्या हम लोग? मुझे मालूम होता तो मैं बता देता। भाग गया। बोल किधर भागा वो? मुझे खुद को नहीं मालूम, मैं खुद परेशान हूँ। झूठ मत बोल, सच सच बता कहाँ भागा है तेरा पति? मुझे नहीं मालूम। ये क्या कर रहा? इसका पति अगर कर्जा नहीं चुका सकता तो पत्नी से तो वसूली कर सकते है ना अपन? नहीं नहीं मैं फिर उन दोनों ने मेरा रेप किया और मुझे बेच दिया। क्या स्नेहा बता सकती है कि आपके पति किस वजह से डरे हुए थे? नहीं साहब, उनका तो काम भी सीधा साधा था, पर साहब ये जब मैं उस दिन घर गई थी तो ये टेबल पर था, इसमें वो अपने सारे क्लाइंट्स और हिसाब सब इसी में सेव करते। लास्ट कंप्यूटर किसका रिपेयर किया है? सर आखिरी बार रवि ने समीर कर्णिक नाम के किसी आदमी का कंप्यूटर रिपेयर किया था। समीर कर्णिक? चेयर अप जान, बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। सर ये दोनों रोज एक दूसरे को मिलते हैं। हाँ इस आदमी ने लैपटॉप ठीक किया था मेरा, फिर मैंने उसे पे किया और अपना लैपटॉप वापस लेके आ गया। क्या हम आपका लैपटॉप देख सकते हैं? I'm sorry इंस्पेक्टर, पर्सनल चीज है उसमें, आप बिना वारंट के, you know, I'm sorry। क्या हुआ भैया? वो आदमी जो मेरा लैपटॉप ठीक किया था ना, वो गायब है। I'm so sorry, I hope आप लोगों को वो मिल जाए। Can I use your loo? Yeah sure। रूम पे एंटर करते ही लेफ्ट में। थैंक यू। ये सोनिया दोनों केसेस में इन्वॉल्व है। सर यही वो लड़की है सोनिया जिसे नवीन आर्मी एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हैं। नवीन इज मैरिड और इन दोनों के बीच का कंफर्ट लेवल देखकर ये लगता तो नहीं है कि ये मामला सिर्फ पढ़ाई का है। I don't think Naveen गद्दार। I doubt कि उसे इस बात का आइडिया भी नहीं होगा कि ये लड़की उसे किस तरह यूज कर रही है। लेकिन ऑफिसर हमें श्योर होना होगा। सर ये देखिए ये फ्लैग पूरा तो कैप्चर नहीं हुआ है लेकिन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग जैसा लग रहा है। लग तो हो ही रहा है। आजादी परिंदे, आजादी के परिंदे। मुझे लगता है ऑफिसर ये सोनिया और समीर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और ये नवीन को हनी ट्रैप कर रहे हैं। ये रवि कांत ने आखिरी कंप्यूटर समीर का ही रिपेयर किया था ना, तो उसके डिसअपीयर होने में और इस केस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। प्लीज ये मत करो, अगर पकड़े गए ना तो आर्मी तुमको छोड़ेगी नहीं। डार्लिंग हम तो कल रात को यहां से गायब होने वाले, तुम अपना देख लो। तुम्हें पता ना कि मेरे एक्सेस के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। और तुम सोचो अगर तुम्हारा ये वीडियो लीक हो गया तो तुम, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारी नौकरी, यहां तक कि तुम्हारे बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। कम से कम इसमें तुम्हारा चांस है, तो बिना कोई ड्रामा किए एक बार प्लान रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे वेपन्स फैक्ट्री के आसपास मिलेंगे, मैं वहां पे तुम्हें एक पेन ड्राइव दूंगा, उसमें एक सॉफ्टवेयर है जो तुम अगर अपने सिस्टम में डालोगे तो ऑटोमेटिकली सारे डेटा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा ताकि तुम हमारे साथ कोई चालाकी नहीं कर सको। वरना पता है ना वीडियो। ये बंदा है वो? पता नहीं सर, हमें सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। पेंसिल। अब देखो। हाँ सर यही है। हाँ सर। हेलो केलकर साहब, आप सोनिया और समीर को उठाइए, लेकिन बहुत ही शांति से क्योंकि हमें उन्हें चौकन्ना नहीं करना। आई हैव नो आइडिया उनके स्लीपर सेल में और कितने लोग मौजूद हैं, हम पुलिस स्टेशन से ही उनका चार्ज ले लेंगे। ठीक है। हाँ सर मैं जानती हूँ नवीन को, वी आर फ्रेंड्स। सर हम एक्सीडेंटली मिले थे और वो मेरी हेल्प कर रहे थे।
हमने तुम्हारे रिकॉर्ड चेक किए 2016 के पहले, कुछ नहीं मिला। सर हाउ डू आई नो? लेकिन हम जानते हैं क्योंकि तुम सोनिया कर्णिक नहीं आरफा खान। ये देखो और ये तुम्हारा भाई समीर नहीं, शर्जील अंसारी है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूट ऑफिसर। क्यों सही है ना, हमने तुम्हारा लैपटॉप चेक किया, एक बात पता चली, तुमने एक वीडियो किया था जो तुमने डिलीट किया था और वही वीडियो रवि ने देख लिया था, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। रवि हमारे पास कभी नहीं आया, आपने जो मेरे लैपटॉप में वीडियोस देखे ना वो मेरे नहीं है, सोनिया और नवीन के हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा, इनकी कस्टडी हमें लेनी पड़ेगी। चलो एक मिनट एक मिनट, सो मोबाइल देना। पुलिस से पता चला उनको तुम पे शक है रवि की डेथ में, एहतियात बरतना। जब समीर ने बताया कि उसके लैपटॉप में तुम्हारे भी वीडियोस थे तभी मुझे शक हो गया कि तुम्हारा और उसका जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है, इसलिए मैंने वो मैसेज भेजा, मुझे देखना था तुम क्या करने वाले। रवि ने मेरा ही वीडियो देखा था, लैपटॉप में जाके उसने कॉन्टेक्ट डिटेल निकाल के उसने मुझे ईमेल किया था। मैं समझ गया था कि उसको ये लग रहा है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे बोला कि इस फोन को तोड़ दे और ये बात कभी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, और उसके बाद मैंने उसको खुफिया मिशन बोलकर जंगल में बुलाया। और सर आपका लैपटॉप, इसमें से कोई फुटेज तो नहीं निकाला? फुटेज नहीं, कुछ कुछ नहीं निकाला मैंने। गुड, ये डिफेंस का मामला है, सरकार तुमको इनाम देगी। चलो बेचारा देशभक्त गरीब इंसान, हाँ तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुमने क्या किया उसके साथ, उसको मार दिया। अब छोड़ो जिंदगी भर जेल में। देखिए रमाकांत जी, मंजुला जी, ये सब कुछ हुआ इसमें आपकी बहू की कोई गलती नहीं, निर्दोष है। विकी और बाबला इन दोनों ने हमें गुमराह करने के लिए उनके अफेयर की बात बताई थी। शी इज इनोसेंट। हम अक्सर जीवन में ऐसे पड़ाव पर आते हैं जहां हमारी गलती होती है और हम उसे छुपाने के लिए 100 और गलतियां कर बैठते हैं, और हमारी इसी कमजोरी का फायदा अरफा और शर्जील जैसे देशद्रोही लोग उठाते हैं। मेरी अपील है हमारे देश के हर बच्चे से, हर युवा से, आप देश की ताकत हो, देश का भविष्य हो, और कुछ लोग आपको इस देश को खोखला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें कामयाब मत होने दीजिए। सर हफ्ते भर से ये लोग बाहर नहीं आए, हमें लगा कि शायद काकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा क्योंकि काकी बहुत बीमार रहती है ना, और केतन भाऊ का फोन भी नहीं लग रहा था, और सर इधर के लोग बोल रहे थे कि बहुत बांस मार रहा है, इसलिए हमने आपको बुलाया। खड़े दरवाजा खोलो। ये तो वही HTP21 वायरस है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ना? जी सर। सर माँ बेटे थे दोनों, ऐसा कैसा पॉसिबल है? सोलापुर में दो और संदिग्ध मौतें हुई, एक 90 साल की महिला और उनके 65
साल के बेटे की उसी HTP21 वायरस से। इस वायरस के चलते हुए अब तक 30 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन अब तक डॉक्टर्स पता नहीं लगा पाए ये वायरस आउटब्रेक कैसे हुआ और इसे कैसे रोका जाए। इंसान को एक सामाजिक प्राणी माना गया है। हम सब समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज हमारी सुरक्षा करता है और हम समाज की। पर कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही एक इंसान और उसका गलत मकसद पूरे समाज की जड़ें हिला कर रख देता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए एपिसोड में। आज की हमारी कहानी एक ऐसे हादसे की है जिसमें अनगिनत लोगों की जाने गई, कई परिवार उजड़ गए सिर्फ एक इंसान के गुनाहों की वजह से। जनजीवन पांडे, जनजीवन पांडे, जनजीवन पांडे। बसा, हमारे जनजीवन पार्टी ने हमारे सभी मेंबर्स के काम को देखते हुए और पार्टी की प्रेसिडेंट से डिस्कस करने के बाद हमारी जनजीवन पार्टी ने यह डिसाइड किया है कि सोलापुर यूथ विंग को इसके आगे जय निकम लीड करेगा। थैंक यू दादा। अपने नाम की तरह पार्टी का भी हर जगह जय जयकार होना चाहिए। बिल्कुल दादा, देखना कैसे सोलापुर के सारे वोट्स मैं अपनी तरफ कन्वर्ट कराता हूँ। ये हुई ना बात। जनजीवन पार्टी जिंदाबाद, जनजीवन पार्टी जिंदाबाद, जनजीवन पार्टी जिंदाबाद। दादा, तू म्हणाला होतास की युथ विंग ची हेड तू मला बनवशील। पूरा साल मैंने उसके लिए मेहनत की और अब ये जय। जानवी, सोशल मीडिया पे सिर्फ फोटो डालना मतलब मेहनत करना नहीं होता। आणि राहिला प्रश्न जयचा, तर पार्टीचं कुठलंही काम असो, पेड लगाना हो, गड्ढे बुझाने हो या कोई धरना देना हो, पार्टी के हर एक काम को वो आगे से लीड करता है। तुम्हारे बाद में उसने पार्टी ज्वाइन की है, फिर भी जाके पूछो सोलापुर में, हर एक बंदा उसे जानता है। पर दादा, मैं आपकी बहन, उसका कोई फायदा नहीं। ते आजकल का ही हालत नहीं, तुम भी मेहनत करो, पार्टी का काम आगे बढ़ाओ, मैं खुद बात करूंगा तेरे पोस्ट के लिए। पर सिर्फ तुम मेरी बहन हो इसलिए नहीं। शांतुष, इस जय की इमेज तो अब मैं खराब करूंगी। यार, ये ऑटो भी अभी तक नहीं आया। अरे भाव, काय को ऑटो से जाने का, अब तो आप पार्टी के यूथ लीडर बन गए हो। पार्टी से गाड़ी ने जावे ना थाटा ने। बाबू, पब्लिक के बीच रहकर ही पब्लिक की प्रॉब्लम के बारे में समझता। अपन जन सेवक आए और आज की सेवा ये शहर के गड्ढे चेक करना। ऑटो, ऑटो वालों को शहर के सारे गड्ढों का एड्रेस मालूम होता है। क्या मानते इस मीना, बरोबर ना? अग्दी बरोबर। बैठो भाऊ। कितना क्यूट है ना जेरी। कौन ये पॉलिटिशियन? एक्सक्यूज मी, पॉलिटिशियन क्यूट नहीं, कमीने होते हैं। कौन से एंगल से? कितना ज्यादा क्यूट है वो और कितने अच्छे काम भी करता है। और पता नहीं तुझ जैसे खड़ूस को खराब क्यों लगता है यार, वो मेरा क्रश है। हाय, काय करते है? बाबा बोलो ना आई को। ना बाबा, ना 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 ना, माँ बेटे के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पता चला मेरे को नजर की तरह उतार के फेंक दिया, रिस्क न खो। गप्पा बसाओ दोनों, मेरी और मेरी आस्था के बीच मत आइए। मेरा बेटा तरक्की कर रहा है, पहले कॉलेज में टॉप किया और अब सोलापुर का युवा मोर्चा संभालेगा। देख लेना, मेरा बेटा पूरी दुनिया का मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, दुनिया का मुख्यमंत्री बनेगा। ओ बरोबर, वाह। उधर मेरा घर उजड़ रहा है और इधर मेरा बाप अपने सौतेले परिवार के साथ पार्टी कर रहा है। दादा क्या हुआ, घर उजड़ रहा है मंजर? आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, इसकी बीवी प्रीति ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है। ये कुछ काम धंधा करता नहीं है, बस यहां वहां मुंह मारता रहता है। प्रीति तलाक लेने वाली है। अच्छा है, मुक्त हो जाएगी। कैसा बाप है रे तू, खुद तो दो दो शादियां की
और मेरा एक घर बसने नहीं दे रहा है। चेतन, तेरी माँ गुजर गई थी इसलिए मैंने दूसरी शादी की है, और तू क्या करता है? तेरी बीवी जिंदा है फिर भी? शी, प्रीति ने मला सगळं सांगितलं आहे, तू पुन्हा काम सोडलंस ना? प्रीति के साथ हूं मैं। ये नौबत मुझ पर नहीं आती, अगर तू अपना बाप का फर्ज निभाता तो मुझे बिजनेस से आउट कर दिया और इस सौतेले को सर पर बिठा के रखा है, इसको तो मैं मेरे बेटे की तरफ देखना भी मत। क्या कर लेगी तू, दिखाता हूं मैं तुझे। बड़े भाई की तरह इज्जत देता हूं मैं आपको, मेरी आई से ऊंची आवाज में बात नहीं करना। निगा साला, देख लूंगा मैं तुम सबको। एक कंप्लेंट लिखवानी है। काटने नोचने का नहीं है, बीमारी है अपने को मालूम है तुमको? मैंने पूरा पैसा दिया है, पूरा मजा करूंगा। पूरा था नहीं करने का। हाँ, एक तेरा भाई है, एक तू है। काट दिया, खून भी बंद नहीं होगा। निकल तू, निकल निकल तो यहाँ से, निकल। अगली बार दिखा ना तो जान से मार दूँगा, निकल यहाँ से। जय की बहुत जय जयकार हो रही है ना, अब बदनामी भी होगी। भाव थोड़ा सा यहाँ पे डालो ना। अरे इतना भी क्या अच्छा लगता है तुमको? अच्छा लगता है तो लगता है। यूनिवर्सिटी के टॉपर मिस्टर जय निकम, आज आपने शहर का आखिरी गड्ढा भर दिया है, तो आज आपको कैसा लग रहा है और इसके आगे की क्या क्या प्लानिंग है जरा आप हमें बताएं। देश का बेस्ट लॉयर बनना, गरीबों को मुफ्त कानून व्यवस्था मुहैया करवाना और अपने शहर को बेस्ट स्मार्ट सिटी बनाना, और फिर इन सब के बीच अगर टाइम मिला तो तुमसे शादी करना। Will you marry me, Meenal Pawar? Mr. Jay Nikam, सच में? ले, तेरा क्रश पहले से ही बुक्ड है। Yes. Happy? चले अब। बाबा, कैसा है? दादा आप? जय, अच्छा हो तो मुझे इधर मिल गया। मैं तुझे सॉरी बोलना चाहता हूँ जय, उस दिन प्रीति के जाने की वजह से मैंने तुम लोग को ना जाने क्या कुछ बोल दिया। आई एम रियली सॉरी जय। दादा कोई बात नहीं, टेंशन ना का क्यों? नहीं लेकिन काहे चला जय? अरे ऐसा लगा कुछ चुभा, वो कंबल वाला आदमी वो भाव था, कहाँ गया? जय तू बोले तो डॉक्टर के पास चले। अरे ये मेरा छोटा भाई है और हम निकम खानदान के बेटे हैं, इतना सा चुभने से कुछ नहीं होता हमको, क्या बोलता बाबा? हो सकता है सेफ्टी पिन होगा उसके कम्बल में। हाँ वही चुभ गया होगा। पक्का ना जय? हाँ टेंशन नहीं। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, बस कुछ दिन और। जी कहिए। एक कंप्लेंट लिखवानी है।
तो मीनल जी, आपका ये कहना है कि आपके बॉयफ्रेंड जय निकम, इनकी मौत एक मर्डर है। हाँ सर, मर्डर है। चार दिन पहले रोड पर उस दिन जो कुछ भी हुआ था, जैकी उस दिन बहुत तबीयत बिगड़ रही थी, तुरंत तो कुछ नहीं हुआ। शाम तक हमने पार्टी का पूरा काम किया जो जो एजेंडा पर था। जैक को अच्छा नहीं लग रहा था, शाम होते होते उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी थी सर। और ये देखिए मीनल जी, हमें स्टार्ट से बताइए हुआ क्या था और आपको ऐसा क्यों लगा है जय की मौत मर्डर है? आई मुझे क्या हो रहा है, आई मुझे क्या हो रहा है, बहुत जरूर हो रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक सब क्या हो गया है? आई बाबा को बोल रहा हूँ, तो सब ठीक कर देते तेरा। आओ बकाना, मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, बुलाइए ना किसी को। डॉक्टर जाधव को फोन किया है मैंने, वो आते ही होंगे। अंकल पता नहीं सुबह वो कोई पिन चुभने के बाद से ये सब हो रहा है। मैंने जय को बोला भी था कि डॉक्टर के पास चलते, लेकिन ये चेतन की वजह से जय डॉक्टर के पास भी नहीं गया। ए, तू चुप कर, देर शाही मत बना। बाबा बाबा बुरा मत मानना, लेकिन ये सब सिम्टम्स देख के लग रहा है कि इसे नागिन हुआ है। क्या नाग देवता, मेरे बेटे की मदद करो, रक्षा करो। आंटी आपको यहाँ खड़े एक घंटा हो गया है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इस बीमारी का नाम नागिन है, लेकिन इसका नाक से कोई लेना देना नहीं है। आंटी जय को ट्रीटमेंट की जरूरत है। चुप करो तो, आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता। नागिन का श्राप होता है ये श्राप, हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो मेरे बेटे के लिए। डॉक्टर ने बोला जय का ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तब पता लगा उसमें एक अजीब किस्म का वायरस है। डॉक्टर ने बोला था कि ये सिम्टम्स नागिन जैसे हैं, पर ये कुछ और है। और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब दूसरे ब्लड टेस्ट करते हैं, फैमिली और पार्टी वालों की इज्जत बचाने के लिए जय को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। काका अभी डॉक्टर तो कुछ बोल नहीं रहे, शायद उन्हें और टाइम चाहिए। लेकिन अभी तो उन्हें यही लग रहा है कि ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। आओ आमचा जय तसा नहीं है, नहीं है तसा, तो चला ना जय को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। काकू 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 काकू, देखिए आप तो जानते हैं अगर ये बात बाहर आ गई तो हमारी पार्टी की बहुत बदनामी होगी और हमारे घर की भी। बिल्कुल, देखिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि जय का जो भी इलाज करना है वो यहाँ हो, अपने घर में। बहुत घमंड था मेरे दादा को तुझ पे, तुम्हारी इमेज पे। अब देखो तुम्हारी इमेज ने तुम्हें हॉस्पिटल जाने के भी लायक नहीं छोड़ा। जानवी से पंगा लेना किसी के लिए सेफ नहीं होता। टेक केयर जय। जानवी जिस तरह से बात कर रही थी मुझे कुछ अजीब लगा सर। उसके बाद क्या हुआ? जय 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 क्या हुआ? जय आई इधर ही। पूरा बॉडी चल रहा है, पूरा बॉडी चल रहा है। डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। हाँ अस्पताल लेके जाते। लेकिन वो क्या, वो पहाड़ में गई तुम्हारी इज्जत, मेरे बच्चे को अस्पताल लेकर जाना है। हाय चेतन, जय। तो जय के सौतेले भाई चेतन और जानवी पर आपको शक है? जी सर, क्योंकि सर जय को जिस दिन वो सुई चुभी थी चेतन बाबू वहीं पर ही थे। और सर जब जय की डेथ हुई थी तो चेतन भाव ने 2-3 घंटे में जय का डेथ सर्टिफिकेट भी जुगाड़ लिया था, वो भी योगेश भाव के नाम पर। सर मैं चाह रही थी कि जय का पोस्टमार्टम हो, लेकिन चेतन भाव ने किसी को पूछा तक नहीं। तो आपके पार्टी के हेड योगेश भाव
उन्होंने चेतन को रोकने की कोशिश नहीं की? सर, योगेश भाव पार्टी के काम से मुंबई गए हुए थे। हमने उन्हें कॉन्टेक्ट किया, वो तुरंत वापस आए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने क्रियाक्रम रोकने की भी कोशिश की, पर तब तक क्रियाक्रम हो चुका था और जय की बॉडी जल चुकी थी। लेकिन जय को ये बीमारी भी तो हो सकती है। नहीं सर, डॉक्टर को इस बीमारी के बारे में ज्यादा समझ नहीं आया, पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और सर, यही वजह है कि मुझे जय का मर्डर लग रहा है, क्योंकि सर जय ऐसा था ही नहीं। जय आएक ना हो, आज मेरे घर पे कोई नहीं है। तो दरवाजा अच्छे से लॉक करके सोना। जय प्लीज आज मेरे घर पे रुक जाओ ना। बगमीनल, मैं ना बहुत ओल्ड फैशन, मैं तुझे अगर प्रेम करता हूँ, मैंने शादी के बाद ही तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। जब तू मेरी अर्धांगिनी बनेगी तभी मेरा तुझ पे कोई हक होगा। सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जय का मर्डर हुआ है, प्लीज आप इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। हम जरूर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे। अब जाइए। थैंक यू सर। ये चेतन को बहुत जल्दी थी भाई का अंतिम संस्कार करने की। सिरके, जय के दोस्त और योगेश, उनसे पूछताछ करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कंबल वाला, उसने ऐसा क्या चुभाया कि जय की मौत हो गई? ए बेवड़े, गुड लॉर्ड प्रतीक। हाँ, डिड यू सी? देखो, सारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है सारा शहर अनसेफ सेक्स कर रहा। व्हाट? ये तो नई किस्म की बीमारी लग रही है, लगता है मैं रिपोर्ट करना चाहिए। शट अप। अरे, अच्छा कमाने का मौका मिला है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? जैसे चल रहा है चलने दो। इतना फीवर कैसे हो गया तुझे? बारिश में भीगी थी क्या? नहीं मॉम, पता नहीं क्यों मुझे बैक में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है। लेट मी चेक। What happened? ये देखो, हर्पीस नागिन। Tell me निया, tell me, किसके साथ सोकर आई है? तुझे पढ़ने भेजा था या ये सब करने के लिए? वो मेरे सच में ऐसे कुछ नहीं किया, trust me। Shut up। ये एक sexual disease है निया। एक God fearing इंसान ये सब कभी नहीं करेगा। तूने हमारी फैमिली की नाक कटा दी। वो मेरे ऐसा कुछ नहीं किया है पापा, सच में। Shut up। अब जब तक तू पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, यही रेस कमरे के अंदर, और तेरा फोन भी मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। प्लीज नहीं, वो मैंने कुछ नहीं किया। सर, हमें तो होश ही नहीं था जय के जाने के बाद। चेतन ने किया सब कुछ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब आपके बेटे और जय के सौतेले भाई चेतन ने किया होगा? क्योंकि जय सेक्सुअली एक्टिव नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया। काय मंजे, चेतन ने जय को मारा? मेरे जय को चेतन ने मारा? नहीं नहीं मंगला, चेतन मंगला, मंगला नहीं, मंगला ने मेरे जय को मारा। मंगला रुको, ने मेरे जय को किया, मैं ये मार डालूंगी। छोड़ो, नहीं छोड़ोगी, नहीं छोड़ोगी। आप लेके जाइए, लेके जाइए। सर क्या बेवकूफ औरत है ये? उसका बेटा मरा है जिसको तुमने घाई घाई में जला दिया। सर मैंने उसको जलाया क्योंकि उसके गंदे धंधों का कोई सबूत ना रहे। हम इज्जतदार लोग हैं सर, और अगर किसी को पता चलता कि उसको नागिन हुआ है, सब बर्बाद हो जाते, और मेरे बाबा का बिजनेस भी, और उस बिजनेस में मेरा भी हिस्सा है। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर जाधव।
सर। नहीं बाबा। बेटा डरो नहीं। बेटा बेटा मत रो, इंजेक्शन ले ले तो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सर, मेरा बेटा ठीक नहीं होगा क्या? आपने जो दवाइयां बोली थी वो भी दे दी, खूब महंगा है तो औषध। बाबूराव ये एचएसवी है, ये कभी ठीक नहीं होता। ऊपर से तेरा बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ था और बहुत कमजोर है, इसलिए बार बार बीमार हो जाता है। इसका मतलब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? नहीं। डॉक्टर साहब जी, हम लोग कावेरी नगर पुलिस स्टेशन से आए हैं, जय निकम की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपसे कुछ बात करनी थी। ओके आइए ना। बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा, गुड बॉय। हाँ डॉक्टर साहब, जय को एचएसवी वायरस ही लग रहा था, मैंने उसका ब्लड टेस्ट करने को बोला था पर उसका रिपोर्ट आने से पहले ही। डॉक्टर साहब दरअसल ये बीमारी होती कैसे है? यंगस्टर्स जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सेक्सुअली, खासकर अपने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, उनमें यह काफ़ी कॉमन है। पर जय के केस में ऐसा लग तो नहीं रहा था कि उसको ऐसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि पहले दिन वो इतना सीवियर नहीं था, उसकी तबीयत एकदम अचानक लास्ट में ही बिगड़ी। पर हमें तो पता चला था कि जय सेक्सुअली एक्टिव नहीं था। हाँ लेकिन उसके सिम्टम्स तो एचएसवी जैसे ही लग रहे थे। डॉक्टर साहब अब जय की बॉडी तो क्रीमेट कर दी गई है, आपके पास उसका कोई ब्लड सैंपल, कोई ब्लड टिश्यू जो हमारी हेल्प कर सके? देखिए डोंगरे लैब में सब टेस्ट हुए थे, अब वहाँ ट्राई कर सकते हैं, आपको एक हाथ सैंपल मिल जाए। वेलकम डॉक्टर। शिरके तृप्ति, डॉक्टर विपुल राव है, बैठिए। हेलो। इंडिया के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, इनको जय के केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया। थैंक यू डॉक्टर, आप इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए। अरे इट्स ऑल माय प्लेजर, थैंक्स। वैसे तो पूरी केस मैंने आपको बता दी। एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ नया है हमारे पास? हमारा मेन सस्पेक्ट चेतन निकम बहुत ही लालची इंसान है, उसको अपने फादर का बिजनेस चाहिए था, ये सब कुछ करने का उसके पास एक बहुत बड़ा मोटिव है, लेकिन उसका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं। डॉक्टर क्या कोई आम आदमी ऐसा कुछ कर सकता है? ऑल ओके डॉक्टर, एक मिनट। सर फर्स्ट प्रायोरिटी तृप्ति। ओके ठीक है ना डॉक्टर साहब? हाँ सब ठीक है। देखिए आप इस केस के बारे में मुझे थोड़ा जल्दी बताइए। हमने जय के फैमिली डॉक्टर से बात की, उनका कहना है कि उसको शायद एचएसवी वायरल इन्फेक्शन हुआ था, अचानक से तबीयत बिगड़ गई और ये सब कुछ हुआ। डॉक्टर के लिए केस बहुत अजीब था और ये सब कुछ बहुत तेजी से हो गया। हमारे पास कोई ब्लड रिपोर्ट्स या डीएनए सैंपल्स हैं क्या? जी सर, मैंने डोंगरे लैब से बात की है, वो शाम को फाइल्स लेकर यहीं आ रहे हैं। शाम को? देखिए इतनी सीरियस बात चल रही है और आप लोग इतने आराम से काम कर रहे हैं। केलकर जी, आपके पास जैसे रिपोर्ट्स आती हैं आप सबसे पहले मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मुझे भिजवाएंगे वो। ओके आम आई क्लियर इनफ? थैंक यू। कमाल आदमी है ये, हमसे ज्यादा तो इस डॉक्टर को गाइए। ठीक है हम हमारा काम करते हैं। जिस एरिया में जय को सुई लगी थी उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो, मिनल से क्रॉस चेक करो और उस कंबल वाले के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, देखो उस एरिया में किसी ने कुछ देखा क्या। आखिर जय को इस तरह कोई क्यों मारेगा? ये सच में मर्डर है या कोई नई बीमारी? जेरी एक बात बताओ बेटा, क्या तुम्हारे और निया के बीच कुछ फिजिकल? नो आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जेरी, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैरिज के पहले ये सब करना मतलब सीधे हेल में जाना। आंटी ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में, और एक्चुअली निया को तो ये भी नहीं पता है दैट आई लाइक हर। व्हाट? निया बेटा प्लीज मुझे बता, तो किसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुई है? किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। नमस्कार। बस आप। अरे
अरे अरे अरे अरे केळकर साहब काय आहे या वेळी ना आपण एक परमनंट स्लॅब टाकून घेऊया पर वो आपके पार्किंग का भी काम बाकी है ना वो भी कर लेते इस बार अरे कदम साहब पार्किंग नो पार्किंग सब कुछ चलता रहेगा लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा काम चालू रहना चाहिए एकदम बराबर बोलिए तो मैं क्या सेवा करूं अभी आपकी वो जय निकम आपका कार्यकर्ता था ना हाँ कार्यकर्ता तो था पर उससे भी ज्यादा छोटे भाई की तरह था मेरे मैंने खुद उसे पार्टी का सारा काम सिखाया था और सुनने में आया था कि वो रेड लाइट एरिया में कुछ सोशल वर्क कर रहा है सेक्स वर्कर्स की हेल्प करना वगैरह आखिर भटक गया लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको पार्टी से नहीं निकाला नहीं हटाया क्योंकि उसका सोशल मीडिया पे काफी अच्छा होल्ड था लोगों के बीच जाकर काम करता था पार्टी के हर एक काम को आगे से लीड करता था और अगर ऐसे वक्त में मैं इसे पार्टी से निकाल देता तो फिर पार्टी के लिए तो ये सुसाइडल स्टेप हो जाता ना हमने सुना आपके बहन से उसका पंगा था नहीं नहीं पंगा नहीं बस दो यंग मेंबर्स में कंपटीशन था दोनों सोलापुर युवा मोर्चा लीड करना चाहते थे कोई शक नहीं कि जय में ज्यादा काबिलियत थी लेकिन इस सब की वजह से आपके बहन को तो गुस्सा आया होगा और शायद इसीलिए उसने बदला लेने की बात की केळकर साहब जानवी जिद्दी है इसीलिए अभी तक पार्टी में आगे भी नहीं बढ़ी जय की मौत तो कुछ HSV वायरस से हुई है ना तो फिर मतलब ये इंक्वायरी वगैरह क्योंकि वो बीमार होने से पहले उसको किसी ने कुछ चुभाया था और उसकी बॉडी भी जल्दबाजी में जलाई गई मैं जानता हूँ मैं उस वक्त मुंबई में था उसी वक्त मुझे चेतन का फोन आया था कह रहा था कि अगर उसकी बॉडी जल्दी नहीं जलाई तो फिर वो बीमारी पब्लिक कर देगा उसके फोटोग्राफ्स पब्लिक कर देगा और आप तो जानते हैं पार्टी का इमेज का जब सवाल होता है तो खराब लगता है ठीक है आप जा सकते हैं लेकिन आप और आपकी बहन शहर छोड़ के मत जाइए हाँ ठीक चला मुझे डाउट आ रहा है शेर के ये योगेश को चेतन ने जय की बीमारी एक्सपोज करने की धमकी दी थी और इसने बॉडी जलाने दी इसके बहन पे ध्यान रखो टेढ़ी खीर है वो सर अरे डॉक्टर आप जी केळकर साहब रिपोर्ट्स आई क्या नहीं अभी तक नहीं आए देखिए ये बीमारी इतनी बुरी तरह पूरे शहर में फैल रही है और आप लोग हैं ना केळकर साहब ये एक नए किस्म का वायरस है एक नया वेरियंट है नए किस्म का वायरस जी इसके सिम्टम्स बिल्कुल HSV जैसे हैं यानी कि नागिन जैसे लेकिन ये उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा खतरनाक है डॉक्टर्स ने इसे नाम दिया है HTP-21 वायरस HSV एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ऐसा लगता है कि HTP-21 भी इसी तरीके से फैल रहा है पूरे शहर में जय इस बीमारी का पहला पेशेंट था और अगर हमें उसकी रिपोर्ट्स मिल जाएं तो हमें ये बीमारी ठीक करने में मदद मिल सकती है सर एज सिंपल एज दैट केळकर साहब देखिए आपके पास जैसी ही रिपोर्ट्स आती हैं आप सबसे पहले वो रिपोर्ट्स मुझे भिजवाएंगे मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे थैंक यू हेलो हाँ बोलिए किधर है सर इनकी बातें सुन के तो लग रहा है केस सॉल्व करने नहीं बल्कि हमसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आए इसका बैकग्राउंड चेक करो सर पुलिस अक्सर क्रिमिनल और क्राइम को समझ के परख के क्रिमिनल की मानसिकता पहचानती है और मुजरिम तक पहुंचती है पर एक वायरस की मानसिकता क्या सुराग दे पाती पुलिस को इसलिए पुलिस ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन शक की सारी सुई ऐसे लोगों की तरफ मोड़ दी जिनका साइंस या मेडिकल बैकग्राउंड हो पर वहाँ भी उन्हें कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी दूसरी ओर इस महामारी से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी पुलिस के पास सस्पेक्ट कम थे और समय उससे भी कम मुबारक हो शबनम अब तुम्हारा मिशन पूरा हुआ शहर में लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है अब उन्हें समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है अब मुझे मार दो और बर्दाश्त नहीं होता तेरी बॉडी में ये वायरस और भी खतरनाक होता जा रहा है तेरा जिंदा होना इस वायरस के पनपने के लिए बहुत जरूरी है त
अरे चेतन के पीछे एक हवलदार लगाया था और उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी चेक की। सर चेतन ने ना तो कभी किसी मेडिकल हिस्ट्री वाले से बात की है और ना ही कभी उसके टच में रहा है। तो जय को ये बीमारी हुई कैसे? सर सेम हाल जानवी का भी है। उसका सारा टाइम फोटोज खींचने में और उन फोटोज को सोशल मीडिया में अपलोड करने में जाता है। बाकी उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है। सर अरे आपको आने में देर हो गई। सॉरी सर वो मेरी वाइफ चाहती। जैक की रिपोर्ट सर। जी दिखाइए जरा। प्रतीक जय इस केस का पहला पेशेंट था ना? जी उसके बाद से ही शहर में केसेस बढ़ने स्टार्ट हुए थे। नहीं प्रतीक ये सिर्फ सोलापुर में हो रहा है क्या? एज फार एज आई नो यस। केलकर साहब पूरे देश का मेडिकल डेटा एक्सेस करने का क्लियरेंस पुलिस वालों के पास होता है ना? विपुल जी काम डाउन काम डाउन। आपको कंसल्टिंग के लिए यहाँ बुलाया, इंट्रोगेट करने के लिए नहीं। ओके आई एम सॉरी। प्रतीक एक बात बताओ जय इस केस का पहला पेशेंट था। देखिए अगर जय सोर्स है और अगर हमें उसका ब्लड सैंपल मिल जाए तो हमें ये बीमारी ठीक करने में काफ़ी मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है हमें। सर फिलहाल वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है पर फिर भी मैं ट्रैक करने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई माई बेस्ट। देखिए आप मेडिकल फील्ड से हो, अगर फिर से कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं बुला लूँगा आप। श्योर सर। ओके सर फाइन। थैंक यू सर। ओके सर। सर ये विपुल की हिस्ट्री तो बहुत गड़बड़ है। एक साल पहले उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। अरे देवा। सर और तो और इस विपुल को हाइपोकॉन्ड्रिया है। क्या? हाइपोकॉन्ड्रिया। अरे ये नवीन का है? सर यानी कोई भी बीमारी से डर, शायद इसलिए वो इतना अजीब बिहेव करता है। मतलब गुस्से वाला सन की डरा हुआ आदमी। अरे बाप रे ऐसा आदमी तो टिकिंग टाइम बम से भी डेंजरस होता है। इसके ऊपर नजर रखो। अरे प्रतीक कहाँ गए थे? ये देखो एक लड़की की रिपोर्ट मिली है निया पिंटो। इसकी रिपोर्ट बिल्कुल जय निकम की रिपोर्ट से मैच करती है। अब देखना इसे यूज करके हम अच्छे पैसे कमाएंगे। बताओ ना तुम्हें आइडिया कैसे लगा? प्लीज डोंट बी सिक मीरा। इंसानियत कहाँ गई है तुम्हारी? हम जय और निया दोनों की रिपोर्ट पुलिस को देने वाले हैं। दैट्स इट। सर जय की रिपोर्ट बहुत अजीब थी। HSV इन्फेक्शन था उसे पर बहुत खतरनाक। HTP 21। सर जय के बाद हमारे पास लगभग 33 रिपोर्ट्स आई हैं और उनमें से 24 लोगों की बॉडी में सेम वायरस है और ये वायरस अपने आप को बहुत जल्दी कल्टीवेट कर रहा है। सर मैं आपको एक शॉकिंग केस दिखाता हूँ। ये दोनों केसेस में सिम्टम्स सेम। निया पिंटो। सर इसकी ब्लड रिपोर्ट और जय की रिपोर्ट में काफ़ी सिमिलैरिटी है। इसके ब्लड में 98% तक वायरस काफ़ी एक्टिवेट हो गया है। और सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि निया वर्जिन है और ये वहाँ के डॉक्टर से पता चला है। वो वर्जिन थी इसका मतलब उसे बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। देखिए मुझे लगता है कि हमें निया और जय इन दोनों के जो ब्लड सैंपल्स हैं मुंबई भेज देने चाहिए किसी वायरस के बहुत एडवांस्ड और बड़े लैब। आप वो सैंपल्स मुझे दे दीजिए, मैं खुद भिजवा देता हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं विमल जी? सिर्फ ये सैंपल उस लैब में मुंबई भिजवा देना और रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवा लेना। अच्छा इसके पहले ऐसी बीमारी कभी फैली है? जी सर महामारी होती है पर ये उससे अलग है। आई मीन टारगेटेड बीमारी है। और सर इसके पीछे एक थियरी भी है। क्या? सर जब भी कोई फार्मा कंपनी अपनी नई ड्रग लॉन्च करती है तो उसका सक्सेस बीमार लोगों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। आप जानते हैं ऐसे किसी नए ड्रग को? हाँ सर द लीडिंग फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरस पर रिसर्च कर रही है। पर सर इंडिया में HSV इन्फेक्टेड लोग बहुत कम हैं। आई मीन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस। इसको अटेंशन तभी मिलेगा जब केसेस बढ़ेंगी और लोग मरेंगे। शिरके ये लीडिंग फार्मा कंपनी के बारे में पूछताछ करो और वो निया के डॉक्टर उनसे पूछो निया से कब मिल सकते। मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? पता नहीं तुम आराम करो। एक्सक्यूज मी निया हम जय निकम की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसी सिलसिले में हमें तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। निया तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि तुम्हें भी वही बीमारी हुई है जो जय को हुई थी। जय को भी? हाँ निया 19 सितंबर की सुबह जय को कुछ चुभाया गया था जिसके बाद उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। 19 सितंबर उस दिन
शाम को मैं कॉलेज से शाम को घर जा रही थी, तब निया हमें आई विटनेस ने बताया वहां एक कंबल वाला था, क्या तुम उसको जानती हो? देखा था उसको? नहीं। तृप्ति उस एरिया में सीसीटीवी का पता करो। जी सर। सर वो लीडिंग फार्मा वालों का तो हाथ नहीं लग रहा है, वो लोग एचआईवी की दवा पे टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके सीईओ से मेरी बात हुई है, उन्होंने अपना डेटा भी भेजा है। अरे इतने टेस्टिंग तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में होते हैं। हाँ सर वही तो मैं भी कह रहा हूँ, और STP-21 सिर्फ सोलापुर में फैला है, इससे इन लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। सर हमें वो फुटेज मिल गया है जहाँ निया को इंजेक्शन छुपा था, और सर वो कंबल वाला आदमी भी वहीं से गुजरा था। मिनल को बुलाओ फुटेज चेक करने के लिए, देखो कुछ मिलता है क्या। जी सर। सर वैसे मैंने सभी पेशेंट्स के परिवार वालों से बात की, ये सबको STP-21 इन्फेक्शन से पहले कोई चीज चुबाई गई थी, और सभी ने अपने एरिया में कोई कंबल वाला आदमी देखा था। इसका मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोई इंजेक्शन के थ्रू फैला रहा है। हो सकता है सर। वैसे कुछ दिन पहले हमने एक डिस्ट्रेस कॉल भी अटेंड किया था, एक 90 साल की औरत थी और 65 साल का आदमी था, दोनों माँ बेटे थे, दोनों में सेम तरह के सिम्टम्स थे सर। अब ये फुटेज और मिनल, इन दोनों से कुछ क्लू मिल सकता है। सर आपने विपुल पर नजर रखने के लिए कहा था, सर उसने अपना पूरा घर बंद कर लिया है, और एक बात सर, उसने बहुत सारा सर्जरी का सामान खरीदा है। आई सॉरी आई, मुझे ये करना पड़ेगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा आई, और मैं मरना नहीं चाहता। क्या कर रहा है हाँ? क्या कर रहा है मूर्ख? ये मेरी माँ है, इसको भी STP-21 है, मैं सिर्फ इन्फेक्टेड स्किन निकाल रहा था, वरना वो मुझे भी हो जाएगा। तो दिमाग खराब है तेरा हाँ? ये रोग कंटेजियस नहीं है, अगर ऐसा होता तो पूरा शहर बीमार हो जाता, मर जाता पूरा शहर। कोई इस बीमारी को इंजेक्शन के थ्रू फैला रहा है। क्यों चला ला? इसको खुला छोड़ना वायरस से भी डेंजरस है। चल। नहीं सर इसमें भी फेस विजिबल नहीं है उसका। सर इसे कहीं तो देखा है। जैन सर जैन, इस वायरस की वजह से शहर में 32 लोगों की मौत हुई है, अगर यही हाल रहा ना तो सारे हॉस्पिटल भर जाएंगे, एक आदमी जिंदा नहीं रहेगा शहर में। सर मुझे लग रहा है कि इसके पीछे उस कंबल वाले का ही हाथ है। तो ढूंढो उसे शेर के। सर मुंबई वायरस लैब से जय और निया की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। हाँ। सर रिपोर्ट के हिसाब से दोनों के ब्लड में हर्पीस वायरस नाम का खतरनाक वेरिएंट है H-Mega-2, और सर इसके साथ साथ ITP ब्लड डिसऑर्डर के ट्रेसेस भी मिले हैं। STP-21 इसी का म्यूटेंट वर्जन है सर। मतलब ये दोनों बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है? नहीं सर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर ये देखिए पिछले महीने मुंबई वायरस लैब से H-Mega-2 मंगवाया गया था, और एड्रेस देखिए डोंगरे लैब का है। उठाओ उनको। ये वायरस तुमने मंगवाया था, ये वायरस तुमने सारे शहर में फैलाया, 32 लोगों की मौत हो गई, मर्डर का केस ठोकूंगा, नाटक बंद करो। नहीं सर वो बट, बट, बट। सर हम मानते हैं कि हम अपनी पर्सनल स्टडीज के लिए ये सब सैंपल मंगवाते थे, लेकिन सर ये हमने नहीं मंगवाया। ये क्या है हुँ? ये तुम्हारा लेटर हेड, तुमने रिक्वेस्ट की थी ना मुंबई लैबोरेटरीज को वायरस के लिए, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट, ये तुम्हारा लाइसेंस, ये क्या सब फेक है? सर एक मिनट, सर हम क्लिनिक के एड्रेस पे कुछ भी नहीं मंगवाते थे, जितने भी पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स थे हम सारे घर पर ही करते थे। बकवास बंद, बिल्कुल बकवास बंद। हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट थे सबसे पूछताछ हो गई, उसमें से तुम ही ऐसे सस्पेक्ट हो जिसको वायरस के बारे में मालूम थी। सर सर इस रिपोर्ट में एक खास बात है, ITP डिजीज। सर इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर, और ये डिसीज बहुत रेयर होती है, इस डिसीज में ब्रूसिंग होती है, ब्लीडिंग होती है। सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप हमारे कहने पर प्लीज सर मेडिकल एसोसिएशन से लिस्ट चेक करवा लीजिए, आपको सब कुछ मिले। सर
कल मैंने सारे आईटीपी पेशेंट्स को चेक किया। जय का कनेक्शन सिर्फ एक ही पेशेंट से मिला है, उसका नाम है शबनम, जो रेड लाइट एरिया में रहती है। और सर ये शबनम 2 सितंबर से गायब है। क्यों, क्या हुआ? सर चेतन और शबनम का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद शबनम ने चेतन को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। तो चेतन ने अफवाह फैला दी कि शबनम को नागिन की बीमारी है, उसके बाद शबनम का धंधा बंद हो गया। उसको बीमारी थी? नो सर। शबनम को रेयर आईटीपी बीमारी थी ना, तो उसकी दवा या बिल ऐसा कुछ अपने हाथ लगा है? हाँ सर, हमें दवाई मिली थी, उस दवाई को हमने फॉरेंसिक में भेजा है। सर ये दवाई का नाम है ITP-650 mg, बहुत ही महंगी और रेयर दवाई है। एक काम करो, शबनम की CDR निकालो और सोलापुर में ये दवा कौन कौन खरीदता है ये पता करो। अगर शबनम जिंदा है तो उसको दवा जरूर लगेगी। जी सर। सर मैंने शबनम के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स चेक किए, 2 तारीख को उसकी खोली उसकी लास्ट लोकेशन थी, उसके बाद उसका फोन बंद था। और सर मैंने शबनम की दवाइयाँ भी चेक की, जैसा कि आपने कहा था, अगर ये शबनम वाकई जिंदा है तो कोई ना कोई इसे दवाई जरूर दे रहा है सर। वैसे सोलापुर इंडस्ट्रियल कंपाउंड के पास एक मिल है सर, जो कई दिनों से बंद पड़ी है, और वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ रिसेंटली STP-21 की दवाई खरीदी गई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस एरिया में इसका एक भी पेशेंट नहीं। सुनसान जगह, बंद पड़ी मिल। शबनम रस्सी खोलो, कड़े एम्बुलेंस ले बोलो। सर किसने किया तुम्हारे साथ ये? कौन है वो? सर ये डस्टबिन में से PPE किट, इंजेक्शन और ग्लव्स मिले। फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यस सर। शिरके, ये अफवाह चेतन ने फैलाई थी ना, उठाओ उसको। पहले शबनम के बारे में अफवाह फैलाए, क्योंकि उसने तेरे को घर से धक्के मार के निकाल दिया था, और बाद में ये सारी बीमारी तूने शहर में फैलाई। सर वो एक सेक्स वर्कर, एक इज्जतदार आदमी को ऐसे भगा दे, बुरा नहीं लगेगा क्या? सेक्स वर्कर को इज्जत नहीं, और उसके पास जाने वाले मर्द को बहुत इज्जत है। हाँ, उसको बदनाम करके तेरा पेट नहीं भरा, इसलिए तूने उसको किडनैप किया, अपने भाई का मर्डर कर दिया। नहीं सर। ये कौन है पहचान? तू है ना कंबल ओढ़ के सारे शहर में घूम रहा है ना, इंजेक्शन मारते? सर भगाना, उसका कॉम्प्लेक्शन और मेरा कॉम्प्लेक्शन अलग है सर। सर जिस दिन शबनम गायब हुई थी, मैं मेरी बीवी के घर पे गया था उसको मनाने। सर मैंने जय को सच में नहीं मारा है। सर मुझे याद आ गया मैंने इस आदमी को कहाँ देखा है। सर जादव के क्लिनिक में। पापा दर्द हो रहा है। सब ठीक होगा, अभी इंजेक्शन लिया ना, चुप बैठेगा ना। ये देख मेरा कड़ा है ना, वैसे कड़ा ला के दूंगा तुझे। What? उन सबको इंजेक्शन तू दे रहा था ना? ए, तेरे से पूछ रहा हूं, तू दे रहा था ना इंजेक्शन? बोलता क्यों नहीं, बोल। हाँ 550 मेंटल घर आ लो। सर इस बाबूराव को बहुत तोड़ा, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा सर। इसका मतलब ये महामारी उसने नहीं फैलाई? सर बाबूराव के बेटे को बचपन से HSV था, उसकी माँ एक सेक्स वर्कर थी, बच्चा बहुत ही प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, इसलिए उसकी इम्यूनिटी भी बहुत कम थी। और आस पड़ोसी के लोग का कहना है कि बाबूराव बहुत ही खुश हो रहा था कि बीमारी फैल रही थी, उसका कहना था कि फाइनली उसके बेटे का इलाज हो जाएगा। इसका मतलब ये महामारी बाबूराव ने नहीं फैलाई, वो सिर्फ अपने बच्चे के इलाज के लिए सब कुछ कर रहा था। हो सकता है सर। वैसे मैंने शबनम की मेडिकल रिपोर्ट भी चेक की, शबनम को अभी तक होश नहीं आया सर, लेकिन उसकी बॉडी पे इस तरह के पंचर वुंड्स है जैसे लगता है कि किसी ने गलत तरीके से उसका ब्लड निकाला है। तो हो सकता है जिसने ब्लड निकाला उसको ब्लड निकालने का तरीका मालूम नहीं था, जैसे कि बाबू राव। सर बाबू राव हो सकता है, लेकिन वो मुंबई से इतनी अच्छी इंग्लिश लिख के वो वायरस नहीं मंगवा सकता। उसका फोन चेक करो। सर क्लब के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। अरे केड़कर साहब, कहाँ चल रहे हैं? क्यों उठाए मुझे? तेरे से बात तो बाद में करेंगे, तेरी चमड़े उधड़ूंगा पहले। वैसे तो 3rd degree भी बहुत कम है तेरे लिए। ए, हाथ नहीं लगाना। चुप। शबनम को होश आया और उसने सब कबूल किया, तेरा और उसका प्लान था ना ये, तेरे फिंगरप्रिंट भी मैच हुए और बाबूराव ने कबूल किया। HTP-21 वायरस बाबूराव इंजेक्ट करता था ना, 47 लोगों की जान गई है।
47 लोगों का मर्डर किया है तुमने? हाँ किया है मैंने मर्डर, पर मारना सिर्फ एक को चाहता था मैं, उस जय को। मेरे पीछे आके मेरी पोजीशन ले रहा था, आज तक पार्टी ने कभी मुझे टिकट नहीं दिया। मेरे एरिया में अगर उसे टिकट दे देती पार्टी तो मेरी इज्जत तो, इसलिए बदला लेना चाहता था मैं। उसी वक्त इस शबनम के बीमारी के बारे में मुझे पता चला। शबनम रो क्यों रही हो, कुछ प्रॉब्लम है? साहब आप कितने अच्छे हैं, और वो चेतन, उसने हमारा धंधा बंद करवा दिया, बोलते कि मुझे नागिन है, अब कोई ग्राहक भी नहीं है मेरे पास, कोई नहीं आता मेरे करीब। निकम भाइयों ने तो मेरे भी नाक में दम करके रखा है। मेरा बस चले तो मैं ऐसे हर मर्द को नागिन की बीमारी दे दूं, तब इन्हें पता चलेगा कि इज्जत उतारना किसे कहते हैं। मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला इस बीमारी का डेडली वेरिएंट मुंबई में है, तभी मैंने मेरे स्वीपर बाबूराव को डोंगरे लैबोरेटरी में काम पे लगा दिया। मैं जानता था उसके बेटे को वही बीमारी है, मैंने उससे कहा कि ये बीमारी अगर लोगों में फैलेगी ना तो गवर्नमेंट इस पे दवा निकालेगी, तेरे बेटे का फ्री इलाज हो सकता है। फिर क्या, बाबूराव हर एक बात मानने लगा मेरी। उस डोंगरे लैबोरेटरी से सर्टिफिकेट, लाइसेंस, डिग्री सब कुछ चुरा के उसने मुझे दे दिया। मुंबई से वो डेडली वेरिएंट मैंने एक्सपेरिमेंट के नाम पे इस डोंगरे लैब के एड्रेस पे मंगवा लिया, जो उस स्वीपर बाबूराव ने मुझे दे दिया। मैं जानता था अगर मेरा काम नहीं हुआ तो ये वायरस मुझे फिर लगेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था इस वायरस को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका ह्यूमन बॉडी होती है। बस इसीलिए मैंने उस वायरस को शबनम के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, जहां से वो और डेडली हो गया। फिर क्या, बाबूराव ने उस वायरस को जय के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। उसी दिन जय ने ब्लड डोनेट किया और लोग धड़ाधड़ मरने लगे। मैं जानता था इस बात का मुझे पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलेगा, इस बात को लेके मैं गवर्नमेंट को घेर सकता हूँ। फांसी से कम सजा नहीं होगी, ये तो मैं देखूंगा। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, बाहर आ जाऊंगा मैं। योगेश, शबनम और बाबूराव किसी वायरस से कम नहीं लगते। याद रखिए, इंसान है तो उसकी इज्जत है, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो इज्जत, पावर, कुर्सी का फायदा क्या। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे इजाजत लेती हूँ। क्राइम पेट्रोल सतर्क के साथ मेरा ये सफर फिलहाल यहीं तक का था। अभी कुछ समय के लिए मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। मैं अपने क्राइम पेट्रोल की टीम का और दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके प्यार और साथ के लिए। कल से क्राइम पेट्रोल सतर्क का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें अनेकों हैरतअंगेज जुर्म की कहानियाँ आपके सामने लाई जाएंगी, जो आपको चौंकाएंगी और आपको चौंकन्ना भी करेंगी। तो देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क रात 10 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कोविड और क्राइम से डट कर लड़िए। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।